हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है परितोष नथानी और आप देख रहे हैं ट्रैवल स्ट्रीट फूड इंडिया। मैं हूं अभी बालीगंज के एरिया में और ये है बालीगंज ढाबा, जहां पे हम खाने के लिए आए हैं इनका फेमस चिकन काठी रोल और पनीर काठी रोल। तो ये है बालीगंज ढाबा और हमने यहां पे ऑर्डर किया है चिकन काठी रोल और पनीर काठी रोल और ये है इनका मेन्यू। बालीगंज ढाबा फेमस है अपने चिकन काठी रोल्स के लिए और कबाब के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है वो भैया अभी फ्राई कर रहे हैं। ये एक पंजाबी रेस्टोरेंट है और हमारा पराठा रेडी हो चुका है, चला गया इसके ऊपर चिकन और चिकन की क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। अब जा रहा है इसके ऊपर ओनियन, अब जा रहा है यहाँ पे हरा मिर्च, चाट मसाला और ये गया लेमन नींबू। तो ये रेडी हो चुका है और यार चिकन काठी रोल का साइज देखो, क्या बड़ा साइज है, अपने आप में एक मील है। खाते आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लेते हैं पहला बाइट। यार बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, पराठा बहुत ही क्रिस्पी है और जो चिकन की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, स्पाइसी है, खट्टा है, मजा आ गया खा करके। बहुत ही बढ़िया चिकन काठी रोल है। इसका जो प्राइस है वो है 95 रुपीज। अभी यहाँ पे बन रहा है हमारा पनीर काठी रोल, पराठा रेडी हो रहा है गाइस और यहाँ पर हमारा 4 पीस पनीर काठी रोल बन रहा है जो कि हम पार्सल करवाने वाले हैं। और यहाँ पे अभी पनीर फ्राई हो रहा है, पनीर है, कैप्सिकम है गाइस और पराठा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके पहले जो मैंने चिकन काठी रोल खाया वो बहुत ही बढ़िया है और कलकत्ता में मैंने जितनी जगह भी चिकन काठी रोल खाया है, बालीगंज ढाबा का जो रोल है वो बहुत ही डिलीशियस है और पैसा वसूल रोल है। पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लाल हो गया है पूरा और बहुत बढ़िया से भैया फ्राई कर रहे हैं। और ये अब हमारा जो रोल है पनीर रोल वो अब रेडी हो रहा है। तो इसके ऊपर जा रहा है पनीर कैप्सिकम। पनीर रोल में जो पनीर की क्वांटिटी है वो बहुत बढ़िया है और पूरा भर भर के डाल रहे हैं यहाँ पर पनीर और कैप्सिकम। ये जो हमारा पनीर रोल है ये है 115 रुपीज का और ये देखो यार क्वांटिटी पनीर की बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जा रहा है रोल्स में नमक और चारों तरफ भैया बढ़िया से नमक डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 पीस रोल है जो कि भैया पैक करने वाले हैं। अब यहाँ पर जा रहा है ओनियन, ओनियन भी चला गया और ये देखो गाइस अब जा रहा है यहाँ पे चाट मसाला। तो चाट मसाला भी यहाँ पे जा रहा है हमारे पनीर रोल में और अब जा रहा है यहाँ पर लेमन। चारों तरफ बढ़िया से डाल रहे हैं और ये हमारा जो पनीर रोल है रेडी हो चुका है और मैंने बोला है कि मेरा 4 पीस पैक कर दो क्योंकि मेरा पार्सल है। कोलकाता का जो चिकन काठी रोल और पनीर काठी रोल है वो बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली बालीगंज ढाबा का। नेक्स्ट हम आ गए हैं कोलकाता के वधान मार्केट में और ये जो शॉप आप देख रहे हैं ये है सीबू जी का शॉप, जहाँ पर मिलता है बहुत ही बढ़िया पाव भाजी और ग्रिल सैंडविच। तो यहाँ पर हमने बोला है कि भाई मेरा 1 प्लेट पाव भाजी लगा दो, तो हमारा जो भाजी है वो बन रहा है और पाव रेडी हो रहा है। इनका जो पाव भाजी है वो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं तो हमने बोला कि यार ट्राई करते हैं इनका पाव भाजी और हमारा जो प्लेट है वो भैया अभी लगा रहे हैं। 1 प्लेट का हमने ऑर्डर दिया है और 80 रुपीज करके प्लेट है, 1 प्लेट 80 रुपीज। और ये आ गया हमारा पाव भाजी, ये है भाजी, उसके ऊपर बटर है और 2 पीस यहाँ पर आपको पाव मिलता है, साइड में है ओनियन और लेमन। भाजी को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, जो इसके ऊपर बटर है वो भाजी में बढ़िया से मिक्स हो रहा है और यार देखो क्या बढ़िया भाजी है यार, बहुत डिलीशियस है, मजा आ गया खा करके, दिल खुश हो गया, पाव भाजी 1 नंबर है। अब यहाँ पर बन रहा है हमारा पनीर वेज ग्रिल सैंडविच।
तो ब्रेड के ऊपर चला गया टमाटर, अब जा रहा है कैप्सिकम और अब जा रहा है यहां पर ओनियन और थोड़ा सा चाट मसाला नमक। अब जा रहा है यहां पर मेयोनीज, काफी बढ़िया से डाल रहे हैं चारों तरफ, काफी ऑसम लग रहा है देखने में। और अब जा रहा है यहां पर पनीर। यार पनीर की क्वांटिटी देखो कितनी बढ़िया है, चारों तरफ भैया पनीर डाल रहे हैं, काफी ऑसम लग रहा है देखने में। और अब जा रहा है यहां पर थोड़ा सा और नमक और थोड़ा सा और मेयोनीज। और अब जा रहा है यहां पर चीज, बहुत सारा चीज डाल रहे हैं और ये जो चीज है ये है अमूल चीज, काफी बढ़िया से डाल रहे हैं हमारे ग्रिल्ड सैंडविच में और बहुत सारा चीज जा रहा है। ये देखो गाइस क्या ऑसम लग रहा है देखने में। और अब भैया ऐसे करने वाले हैं ग्रिल और 5 मिनट में रेडी हो जाएगा हमारा वेज ग्रिल्ड सैंडविच। तो हमारा पनीर वेज ग्रिल्ड सैंडविच रेडी हो चुका है और 4 पीसेस में काटा जा रहा है। खाएंगे आपको बताएंगे कि सीबू जी का ये जो वेज पनीर ग्रिल्ड सैंडविच है कैसा है। अब यहां पे जा रहा है टमाटो सॉस और जा रहा है यहां पे ग्रीन चटनी और इसके ऊपर जा रहा है चिप्स। तो ये रेडी हो गया हमारा ग्रिल सैंडविच, खाते हैं आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये देखो भाई क्या ऑसम लग रहा है देखने में, यार बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वाद है सैंडविच में, प्रॉपर वेज सैंडविच है, पनीर का अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्रिस्पी है, स्पाइसी है, यार खा करके मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया ग्रिल सैंडविच है, डिलीशियस, पैसा वसूल। और हमने यहां पे लिया है मसाला कोक, काफी ऑसम लग रहा है, पीते हैं या सैंडविच के साथ बहुत ही ऑसम लग रहा है। नेक्स्ट डे हमने ट्राई किया है चौरसिया टी स्टॉल का समोसा और चाय। दोपहर का टाइम है और यहां पे गरम गरम चाय और समोसा बन रहा है। ये देखो गाइस समोसा फ्राई हो रहा है कढ़ाई में और यहां पर भैया जो समोसा है उसमें मसाला स्टफिंग कर रहे हैं, काफी ऑसम लग रहा देखने में। इंडियन स्ट्रीट फूड का यही तो मजा है, चौरसिया टी स्टॉल और कंटिन्यू यहां पे समोसा और चाय बन रहा है। ये देखो गाइस तो हमने यहां पर लिया है चाय। भैया बता रहे हैं कि यहां पर दिन भर में 5000 समोसा बनता है, 5000 समोसा एक दिन में। और ये देखो गाइस कंटिन्यू यहां पर स्टफिंग हो रही है और कढ़ाई में जा रहा है समोसा, बहुत ही फेमस है। और ये जो मसाला है इसके अंदर में सारे इंडियन स्पाइसेस हैं और आलू है। ये देखो गाइस हमने यहाँ पे लिया है मसाला चाय और सबसे बड़ा वाला कप हमने लिया है, 35 रुपीज का 1 कप हमें पड़ा है चाय का। तो ये आ गया हमारा चाय और हमने यहाँ पर लिया है चाय और उसके साथ लिया है समोसा, तो हमने 2 समोसे लिए हैं यहाँ पर। 1 समोसा 15 रुपीज का है यानी 2 समोसा 30 रुपए का। यार चाय बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऑसम टेस्ट है और समोसा यार क्या ऑसम समोसा है यार, स्पाइसी है, क्रिस्पी है और यार बहुत ही डिलीशियस समोसा है, मजा आ गया खा करके। ये देखो गाइस पूरा मैंने खा लिया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम आ गए हैं अनारस में और ये बहुत ही बढ़िया गुजराती फूड बनाते हैं, खमन ढोकला आपको सब मिलेगा। यहाँ पर हमने लिया है 2 पीस जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी बन रहा था तो मैंने बोला भाई 2 पीस मेरे को खिलाओ कैसा है। और ये है इनका शॉप
जहाँ पे आपको सभी तरीके के गुजराती फूड आइटम्स, स्नैक्स या नमकीन सब तरीके का आपको यहाँ पे मिलेगा। खमन है, ढोकला है, सब तरीके के फूड आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही फेमस है अपने गुजराती फूड के लिए। तो ये है जलेबी, और मैंने बोला भाई कि मुझे गुजराती ओनियन कचौड़ी खाना है, तो बोले कि 2 घंटे के बाद मिलेगा, अभी बन रहा है। तो मैंने बोला भाई क्या रेडी है, तो बोले गुजराती समोसा रेडी है। तो मैंने बोला भाई वही खिला दो। तो ये है गर्मा गर्म जलेबी यार, बहुत ही डिलीशियस जलेबी है, बहुत बढ़िया है, एकदम गर्मा गर्म जलेबी है, खा करके मज़ा आ गया यार, बहुत ही ऑसम टेस्ट है। और ये आ गया गुजराती समोसा, साइज देखो समोसे का, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा साइज है। तो लेते हैं पहला बाइट। ओए होए भाई साहब, बहुत ही डिलीशियस समोसा है, मजा आ गया खा करके, दिल खुश हो गया। नेक्स्ट हम आ गए हैं इडली गो में, जो कि इनका साउथ इंडियन डिशेस बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं इनका मसाला इडली और गर्मा गर्म कॉफी। तो हमने यहाँ पे लिया है मसाला इडली और फिल्टर कॉफी, और 150 रुपीस का इडली और कॉफी पड़ा। तो ये आ गया हमारा मसाला इडली, उसके ऊपर है कोकोनट और धनिया, देखने में काफी ऑसम लग रहा है। उसके साथ है यहाँ पे कोकोनट चटनी और सांभर, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, लुक एट द कलर्स। तो खाते आपको बताते हैं कैसा है। यार बहुत ही सॉफ्ट इडली है, डिलीशियस है, सांभर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट इडली है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो। और इडली के ऊपर जो मसाला इन्होंने डाला है बहुत ही स्वाद है यार, बहुत ही मजा आ रहा है। अब खाते हैं चटनी के साथ। ओए होए भाई साहब, चटनी के साथ ऑसम लग रहा है खाने में, मजा आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस है इडली, बहुत ही सॉफ्ट है। एक और बाइट लेते हैं सांभर के साथ। वाओ, बहुत ही डिलीशियस है, मजा आ गया खा करके, बहुत ही ऑसम टेस्ट है। और ये आ गया हमारा फिल्टर कॉफी, पीते हैं आपको बताते हैं कॉफी कैसा है। लेते हैं पहला सिप, बहुत ही गर्मा गर्म है, प्रॉपर एकदम रॉ कॉफी का टेस्ट आ रहा है, बहुत मीठा भी नहीं है, सेटल्ड है, मतलब मीठा बहुत ज्यादा भी नहीं है, एकदम बढ़िया है कॉफी, बहुत ही ऑसम है फिल्टर कॉफी। यार मुझे चेन्नई का याद आ गया, बहुत ही मस्त कॉफी है। चौरसिया टी स्टॉल, अनारस, इडली गो, तीनों ही शॉप्स आपको मिल जाएंगे थिएटर रोड कोलकाता में, सबका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा फूड वीडियो आने वाला है कोलकाता रिलेटेड। तो यार हमारे साथ बने रहो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बढ़िया लगता है। कोलकाता फूड बहुत ही डिलीशियस है, एफोर्डेबल है, और यार जलेबी खा करके, कचौड़ी खा करके, समोसा खा करके, इडली खा करके, और चिकन काठी रोल खा करके मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। तो बस दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारा फूड वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय।